एचईजी लिमिटेड है आज का सुपर शेयर जो करीब 7 रुपए के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक और देखिए वो है रेमंड्स का, यहाँ पर अच्छा मूव है विद वॉल्यूम, स्टॉक करीब 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी और पिछले हफ्ते स्पेशली वेडनेसडे और थर्सडे दो सेशन में एक अच्छी बढ़त स्टॉक में देखी गई थी। 592 पर अभी ट्रेड कर रहा है जय, यहाँ पर नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अब करीब 6.5% ऊपर आ चुका है ये शेयर। आई थिंक 665 दीपाली ये एक टारगेट मैं देख रहा हूँ, बिकॉज जब मैं प्रीवियस इसके हाइज ज्वाइन करता हूँ तो क्लियरली एक यू नो एक लेवल जो नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 665 का रहेगा, तो आई थिंक यहाँ से और लगभग 70 रुपये का मूव देखने मिल सकता है। इस बीच गौरांग मैं फंडामेंटली आपसे जानना चाहूँगा, और ये पहले भी हमने कई बार देखा है मार्केट में, यू नो इन लेवल्स के आसपास, एंड व्हेन आई से इन लेवल्स मैं 8950 ऐसे लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टिपिकली हाई के आसपास बहुत बार मार्केट में ये होता है कि यू नो एक या दो जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं मार्केट के उसे आप होल्ड कीजिए, या फिर उसे होल्ड कर जो बाकी स्टॉक्स हैं उसमें चर्निंग होती है, कई बार थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है, तो ओवरऑल उससे क्या होता है कि जो ओवर हीटिंग का सिनेरियो है वो एकदम से क्रिएट नहीं हो जाता मार्केट में, और इस समय वो पॉसिबिलिटी है भी मार्केट के पास। आप देखिए रिलायंस जो कि इतने टाइम से सो रहा था वो चल रहा है, सो यू हैव दैट ऑप्शन, आप वो लेवर यूज़ कर सकते हैं। आईटी जहाँ पर इतनी कंसर्न्स थी, एटलीस्ट टीसीएस के बायबैक के साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी वाइब्रेंसी वहाँ पर है। अब इन दो पिलर्स को पकड़कर मार्केट इसके नीचे जो बाकी यू नो पॉकेट्स हैं जैसे बैंकिंग है या फिर हैवी वेट लाइक आईटीसी, इन सबको थोड़ा थोड़ा अगर हल्का कर देता है तो ओवरऑल एक वो जो बबल या फिर सडन ओवर हीटिंग होती है वो प्रिवेंट हो जाती है मार्केट में, इसका लाइकलीहुड है क्या? मीर डेफिनेटली वो यू नो एक इंसुलेशन जिसे हम कहते हैं वो शायद आपको मिल सकता है। आप एक नाम भूल गए HDFC बैंक, जहाँ पर लिमिट को बढ़ाने के बाद एक समय पर सहारा दिया था HDFC बैंक ने, और डेफिनेटली उसकी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। मीर मैं ये नहीं कहता कि मूल्यांकन को लेकर के मुझे बाज़ार में चिंता है, मुझे बाजार में चिंता ज्यादातर बाजार को छोड़ करके जो बाहर के घटनाक्रम में, मिसाल के तौर पर जो 5 राज्य के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 8 मार्च को ये एग्जिट पोल वगैरह और वो सब आ जाएगा और नतीजे आएंगे, मुझे उससे थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि बाजार वैल्यूएशन को लेकर के मैं भी मानता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि वैल्यूएशन वाइज अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है और क्षेत्र है जहाँ पर आप स्तर पर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक जो अगले हफ्ते घटनाक्रम है नतीजों को लेकर के 5 राज्य के, उसको लेकर के मैं थोड़ा बहुत चिंतित हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, उल्टा मैं ये बयान दे रहा हूँ कि अगर बाजार में करेक्शन आता है आने वाले समय में इस घटनाक्रम को लेकर के, नतीजे 5 राज्य के जो चुनाव के हैं उसको लेकर के, तो एक बहुत बड़ा मौका होगा आपको निवेश करने के लिए। जी चलिए सलाह आपको दी गई है। इस बीच रिलायंस पर एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, 5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, स्टॉक कांस्टेंट मूव दे रहा है अभी भी करीब 6% की बढ़त के साथ 1250 के लेवल्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है, लेकिन 3 बैंकिंग स्टॉक्स जो कि पिछले हफ्ते के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे थे वो हायर लेवल से थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं आज। एक्सिस बैंक, अलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक तीनों ही 1.5 से 2% की कमजोरी दिखा रहे हैं और दिन के निचले स्तरों पर है। एक्सिस बैंक पर स्पेशली अभिजीत आपके कॉमेंट्स क्या है? दीपाली, एक्सिस बैंक का जो मूव था लास्ट 3 डेज वॉज क्वाइट शार्प, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो फ्रॉम द लो ऑफ 480 इट ऑलमोस्ट वेंट टू द हाई ऑफ 530, सो काफ़ी यू नो विद इन 3 डेज इट ट्रैवल क्वाइट अ डिस्टेंस। शॉर्ट टर्म करेक्शन इज वेरी मच लाइकली, वी आर डाउन 1.7%, बट एज लॉन्ग एज 510-519 इन द कैश मार्केट होल्ड्स विच आर द शॉर्ट टर्म सपोर्ट, आई थिंक ये जो 3 दिन का मूव मिला था अपने को दैट विल प्रॉब्ली टेक अ लिटिल बिट ऑफ कंसॉलिडेशन and then try to inch further on the upside. आज अगर क्यूज थोड़े न्यूट्रल भी होते हैं मार्केट के लिए, या फिर जो बाकी स्टॉक्स हैं उनकी मूवमेंट थोड़ी न्यूट्रल भी होती तो प्रॉबेबली शायद जो 9000 का लेवल है उस पर निफ्टी नॉक कर रहा होता, क्योंकि अकेले रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन ही 50 से ज़्यादा अंकों का है, लेकिन निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर है, बिकॉज जो लूजर्स हैं उसमें आप देखिए भारतीय एयरटेल 2%, एक्सिस बैंक 2%, आइडिया सेलुलर 1.5% नीचे है, भारती इंफ्राटेल 1.5% नीचे है, HDFC लिमिटेड 1%, ITC 1%, HDFC बैंक 1%, तो ये इन्होंने कुछ हद तक जो तेज़ी है इंडेक्स की उसे होल्ड करके रखा है या फिर रिस्ट्रेन करके रखा है। खैर दैट्स मार्केट डायनामिक्स। जय आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया?
वेल ओवरऑल मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यू नो जस्ट जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हिसाब से एक मूव निफ्टी में जो भी देखने मिल रहा है और जो भी सपोर्ट देखने मिल रहा है खाली रिलायंस की वजह से देखने मिल रहा है, बाकी अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द मार्केट में थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। बट मेरा ये मानना है कि IT एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। आई थिंक जो हिसाब से माइंट्री में मैंने एक यू नो टारगेट दिए अराउंड लगभग 4-5% यहाँ से एक मूव देखने मिल सकता है, बट अलॉन्ग विथ माइंट्री IT सेक्टर्स में जो स्टॉक मेरे पसंद के हैं वो है टेक महिंद्रा, HCL टेक अलॉन्ग विथ एंड एज वेल एज TCS। एक इन्फोसिस ही ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा बहुत मुझे चार्ट्स पर एज ऑफ नाउ थोड़ा क्लियर मूव नहीं बता रहा है, बट देन रेस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम माइंड्री आई थिंक आर लुकिंग अमेजिंग। एंड आई थिंक सारे ही स्टॉक्स में लगभग मेरी कहीं ना कहीं वेव 4 लार्जर डिग्री की भी खत्म हो चुकी है। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव ही अच्छा है, बट इवन फॉर द लॉन्ग टर्म आई थिंक IT माइट हैव बॉटम आउट। और इनफैक्ट काफ़ी समय पहले भी मैंने यही चीज़ आपके चैनल पर शेयर की थी कि IT एक मेरा पसंदीदा सेक्टर रहेगा फॉर 2017। सो आई थिंक along with Mindtree other 3 stocks can also be added to the portfolio। जी गौरांग, ये वोल्टास पर आपकी राय क्या है? पिछले 3 महीने में अच्छा चला है ये स्टॉक, लेकिन इन स्तरों से और कितनी अपसाइड आपको नजर आ रही है? 450 के लेवल्स पर तो आ चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से लक्ष्य करीबन 435 से 445 के है। और दीपाली, जो FMCG का सवाल आपने मुझे पूछा था कुछ समय पहले, उसके साथ साथ और ये जो पूरा नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन का तांडव हम देख रहे थे ज़्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां उसके तरफ से, और जो बेफिजूल बयान आए थे, वो आपके दर्शकों को एक चीज़ में बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहूँगा कि जो आने वाली आखिरी तिमाही के नतीजे होंगे, जो आने वाले वित्तीय साल के नतीजे होंगे, वो FMCG, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब कंपनियों की बहुत शानदार होंगे। मैं ये मानता हूँ कि वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी ये और ऑफकोर्स वर्लपूल, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियाँ, वहाँ पर निवेश का मौका है। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से जुड़ी हुई कंपनी जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर बाटा है, बर्जर पेंट्स है, एशियन पेंट्स है, उन सब पर भी हमारी पॉजिटिव कवरेज है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको नतीजों के आधार पर इन सब क्षेत्रों में आने वाले समय में दिखाई देगा। इस बीच चलिए कोल इंडिया पर ट्रिगर, और अगर आप इन्वेस्टेड हैं कोल इंडिया में तो क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अंचल हमारे साथ जुड़े हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर, कोल इंडिया के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, कंपनी जल्द एक स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। देखिए हाल ही में बायबैक किया था, उसके बाद कंपनी एक स्पेशल डिविडेंड लेती हुई आएगी, और उसका कारण है कंपनी की जो सब्सिडी कंपनियां हैं वहां से करीब 3,000 करोड़ की नकदी कोल इंडिया को मिलती हुई दिखेगी, और इस नकदी का इस्तेमाल, ऑलरेडी एक कैश रिच कंपनी है और अपनी नकदी का इस्तेमाल कंपनी इस बार एक स्पेशल डिविडेंड FY17 के लिए देती हुई दिख सकती है, और ये कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक शानदार बात हो सकती है। नॉर्दर्न कोल फील्ड ने जो हाल ही में बायबैक को मंजूरी दी है उससे करीब करीब कोल इंडिया को 1,250 करोड़ मिलने का अनुमान है। वहीं सदर्न कोल फील्ड की बोर्ड बैठक आज है जिसमें बायबैक पर फैसला लिया जाएगा, और महानदी कोल फील्ड की बोर्ड बैठक कल है बायबैक के ऊपर। तो इन तीनों ही कंपनियों से, सब्सिडी कंपनियों से, कंपनी को एक करीब करीब 3,000 करोड़ की नकदी मिलती हुई दिखेगी, और कंपनी की जो टोटल कैश फ्लोज हैं इस समय, अगर आप करंट कैश फ्लो देखें, करीब 45,100 करोड़ की कंपनी के पास नकदी है, तो इसमें ये 3,000 करोड़ ऐड होते हुए दिखेंगे। एक हैवी कंपनी के पास कैश फ्लो है, और इसका इस्तेमाल कंपनी इस बारी स्पेशल डिविडेंड के तौर पे करती हुई दिखेगी, अपने निवेशकों को एक स्पेशल डिविडेंड देती हुई दिखेगी। ऑलरेडी सरकार ने भी पहले मांग बोला था, जिन कंपनी के पास 1,000 करोड़ से ज़्यादा की नकदी है उनसे डिविडेंड की मांग की थी, तो कोल इंडिया एक डेफिनेटली कैंडिडेट बन जाता है अब आने वाले दिनों में जो स्पेशल डिविडेंड देते हुए दिखेंगे। कुछ आंकड़ों पर नज़र डालिए आप, इसके कैश ट्रेंड को देखिए मीर, पिछले यानी FY11 से FY17 के दौरान किस तरह रहा है। शुरुआत अच्छी रही थी, 44,000 करोड़ FY11 के अंदर कंपनी का कैश था, वो बढ़ के FY13 में जो इसका पीक माना जाता है 60,000 करोड़ के पार इसका कैश चला गया, लेकिन वहाँ से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा था जो FY16 तक रहा था। 38,000 करोड़ की नकदी कंपनी ने FY16 में पोस्ट की थी, लेकिन वहाँ से अब क्योंकि सब्सिडीज से पेमेंट मिलना शुरू हुआ तो वापस से जो कैश सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, और इस बारी अभी तक 45,100 करोड़ की नकदी है कंपनी के पास। वहीं सरकार की हिस्सेदारी भी कंपनी में अभी भी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड पे आउट का फायदा सरकार को विशेष तौर पे होगा एक अच्छे कैश के तौर पर। बिल्कुल, चलिए अंचल शुक्रिया। कोल इंडिया, गौरांग कैसा लगता है आपको? वेल, सबसे बड़ी कंपनी है मिहिर, जहाँ तक कोयले के जो खजाने हैं विश्व भर में उसके आधार पर, पिछले 2-3 तिमाही में कोयले के उत्पादन को लेकर के और उसकी क्वालिटी को लेकर के कुछ सवालिया निशान लगे थे, लेकिन मैं कुछ टिप्पणी सुन रहा था कोल सेक्रेटरी की,
और जो माइनिंग मिनिस्ट्री है उनके तरफ से, और वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि जो कोयले के धोने के लिए वॉशरीज होती हैं उन पर बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि ये वॉशरीज ज़्यादा बढ़े। और जहाँ तक रहा सवाल उत्पादन का, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में भी, 410 का टारगेट है लंबी अवधि के नजरिए से। जी शुक्रिया गौरांग, अभिजीत और जय, आप तीनों का शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पंकज टिब्रेवाल हैं कोटक केएमसी से। पंकज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पिछले 1.5-2 महीने तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, 9-10% का रिटर्न हमने इंडेक्स की ओर से आते हुए देखा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ये अपसाइड, ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, कौन से वो मेजर ट्रिगर्स होंगे जो कि ध्यान में रखने होंगे? गुड मॉर्निंग, अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन के बाद एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लोअर था और लोगों का ये मानना था कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब तीसरे तिमाही के नतीजे आने लगे तो ये काफ़ी स्पष्ट हो गया कि कॉर्पोरेट काफ़ी अर्निंग्स काफ़ी रेजिलिएंट है और अल्टीमेटली मार्केट आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड मार्केट ने क्लियरली अप ट्रेंड मोमेंटम जारी किया। प्लस फ्लोज भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं लास्ट साल डेढ़ साल से, वो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स। तो हमें लगता है ये दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा है इक्विटी मार्केट्स के लिए। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इवेंट हो कि यूपी इलेक्शन के जब नतीजे 11 मार्च को आए, या यूएस मार्केट्स को अगर आपने देखें, फेड रेट हाइक को देखें, तो नियर टर्म वॉलेटिलिटी नहीं किया जा सकता, बट अगर साल दो साल की व्यू ले तो मार्केट्स पर हमारा रुझान पॉजिटिव है।